पिले। लो जी आ गई है वो गाड़ी जिसका काफी अरसे से हमें भी इसका इंतजार था और शायकीन को भी, क्योंकि हमने एक वीडियो पोस्ट की थी कि हम लिमोजिन बनाने जा रहे हैं हरूम से और लोग काफी पूछते थे कि यार आपकी लिमोजिन कब आ रही है, मैसेजेस में काफी मैसेजेस आते थे। तो आइए अब लिमोजिन तैयार होके आ गई है, इसको हमने कैसे मॉडिफाई किया है आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, जैसा कि आपको पता है लोकेशन हमारी वही जानी पहचानी रियाज कुशन मेकर कराची, और आज हम मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, बीच में कुछ टेक्निकल इशूज थे जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। अब हम बिना काफ़ी दिनों बाद आपको एक नई गाड़ी के लुक दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये हाइरिफ को हमने लिमोजिन बनाने की कोशिश की है, ये एक नई जो है ना मॉडिफिकेशन की है हाइरिफ को, थोड़ा सा हमने लंबे किया, इसमें लिमोजिन का लुक दिया है हमने। और गाड़ी देख लिया अब आम हाइरिफ से काफ़ी लंबी है, और इसको हमने कैसे मॉडिफाई किया है आइए आपको हम अंदर से दिखाते हैं। जी ये देखिए साइड के कुशन देखिएगा, साइड के कुशन से शुरू करते हैं गाड़ी। अब अंदर आते हैं और अंदर आप इसका गाड़ी का फ्रंट देखें, डैशबोर्ड जिसको हम मैचिंग के हिसाब से कलर करते हैं, और इसके बाद सीटों का डिज़ाइन आप देखें। और इसमें देखिए हमने एक नई इन्वेंट्री की है, इसमें हमने स्पोर्ट्स का स्टीयरिंग लगाया जिससे कि गाड़ी की लुक में काफ़ी बेहतरी आई है। और इसी के साथ अगर आप नीचे दिखा सकें तो मैटिंग वगैरह, और इसकी मैटिंग हमने मैचिंग के हिसाब से की है। और गाड़ी का कंसोल देखें, इसमें जगह काफ़ी तंग होती है मॉडिफिकेशन की वजह से, जिसकी वजह से कंसोल हमने नए लुक में बनाया है और काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन। अच्छा आप ज़रा डैशबोर्ड पे गौर करें, ये इसका अपना डैशबोर्ड नहीं है, ये हमने इसमें अल्ट्रेशन करके लगाया है, लेकिन आप डैशबोर्ड की लुक देखें, डैशबोर्ड की खूबसूरती देखें, डैशबोर्ड की वजह से गाड़ी में कैसे प्रीमियर लुक आया इसका, जैसे कि बंदा एक लग्जरी कार में बैठा हो, और डैशबोर्ड का लुक कितना प्यारा आ रहा है आप देख सकते हैं वीडियो में। अब आते हैं रूम की तरफ, जैसे कि आम हाइरिफ में होता है कि आमने सामने दो सीटें होती हैं, तो ये इसको गाड़ी को हमने लिमोजिन की तरह लंबा किया है, तो इसमें 300 की कैपेसिटी बन गई है। आमने सामने दो सीटें हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए एक फोल्डिंग सीट है और उसके बाद जो है ना इसमें एक बैक साइड पे सीट है, तो ये इस तरह करके अब इसमें काफ़ी कैपेसिटी आ गई है, काफ़ी मेरे हिसाब से 9 बंदे आप पीछे आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखें रूफ, ये इसके गाड़ी का फर्श देखें आप, साइड पे हमने इसके बॉर्डर दिए हुए हैं, और ये लाइटिंग का सिस्टम दिया हुआ है जो कि आपको रात वाली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इसमें लाइटिंग जलती है। और अब आते हैं इसके बाद रूफ की तरफ, रूफ का नज़ारा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और आखिर में इसको हम बैक की तरफ से दिखाएंगे कि रूफ देखो किस डिज़ाइन में शीशे वाली रूफ छत बनाई है हमने, बड़े मज़े किए। और इसी के साथ साथ देखें पंखे भी लगे हुए साइडों पे जो कि गर्मी में बड़े ठंडी ठंडी हवा देते हैं। अच्छा अब देखें साउंड सिस्टम है, हमने पीछे एम लगाया हुआ देखें ज़रा, और इसके बाद ये स्पीकर बॉक्स है, और इसके बाद सीटें हैं, और सीटें के बाद अब यहाँ से आप छत का नज़ारा देखें, छत का नज़ारा यहाँ से जो लुक देता है वो अंदर की तरफ से बिल्कुल नहीं आता, क्या खूबसूरती है, क्या बेहतरीन डिज़ाइन है। और आप इसको देख के रियाज कुशन मेकर के फ़ैन हो जाएंगे कि यार काम अगर कोई करता है तो रियाज कुशन मेकर कराची। इसके अलावा